केदारनाथ धाम के कपाट खुले अभी तक 11 दिन ही हुए हैं, लेकिन बाबा केदार के दर्शनों को जा रहे श्रद्धालुओं की स्थिति बेहाल होती जा रही है। सरकारी दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन ना पीने के लिए पानी है और ना खाना। व्यवस्था इतनी गंदी है कि श्रद्धालु सड़कों पर सो रहे हैं। ये मोक्ष का द्वार है, ये केदारनाथ है, यहाँ विराजते हैं महाकाल। ये भक्ति का सागर है, यहाँ आस्था की डुबकी लगाने उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब। लेकिन 2013 की तबाही ने सब कुछ उजाड़ दिया। कुदरत के कहर के 3 साल हो गए, 3 साल से लोग परेशान हो रहे हैं और सीएम रावत आंख बंद कर बैठे हैं। स्थिति यहाँ जस की तस बनी है, यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं है खाने पीने की कोई सुविधा। सड़कों पर सो रहे हैं श्रद्धालु, चिलचिलाती धूप ऐसी कि मानो जान ही ले लेगी। जी हाँ, ये नज़ारा है केदारनाथ धाम की यात्रा का, जहाँ सरकार बेहतर सुविधा देने की बात तो करती है, लेकिन सच्चाई क्या है सारी कहानी ये तस्वीर बयां करती है। 9 मई से केदारनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, लेकिन 11 दिन में ही रावत सरकार की व्यवस्था की कलई खुल गई। चाहे वो गौरीकुंड हो या सोनप्रयाग, हर जगह श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। ना तो खाने की कोई व्यवस्था है, ना पीने के लिए पानी ही है। इतना ही नहीं, थके श्रद्धालुओं के लिए आराम करने तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जैसे तैसे जहाँ तहाँ रास्ते में ही सो रहे हैं। 9 बजे से 10 बजे से यहाँ बैठे हम तो क्यों आगे क्यों नहीं, क्या आगे बोलते हैं कि लाइन लगे लाइन में बैठो, धूप में लाइन में बैठे हुए हैं यहाँ अभी। 5 बजे के पहले यहाँ अंदर जाने नहीं देते, नंबर आएगा उसके बाद में जाने देंगे। अभी तो थोड़ी देर बारिश हुई तो ऐसे ही बैठे थे भाई। और क्या, फिर हम तो बैठे रहेंगे ऐसे ही, बारिश में बारिश होगी या पत्थर भी गिरेगा तो हम तो बैठे रहेंगे। यही स्थिति बाकी श्रद्धालुओं की भी है। श्रद्धालु सुबह 8 से 9 बजे यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बाद उन्हें शाम 5 बजे आगे जाने दिया जा रहा है। गुजरात से आए इस परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सरकारी अव्यवस्था से ये लोग भी बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं, अव्यवस्था का आलम तो ये है कि यहाँ केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए न ही घोड़े की व्यवस्था है, न ही किसी और साधन की। इससे बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग आ रहे अभी, देखो पालकी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं मिला। आज हम लोग 20 मिनट चल के जाके आए, कैसे करेगा अभी इधर आने के लिए। ये सब लोग चल के आए, टिकट मिलता 50 रुपए गाड़ी का, विमान टिकट नहीं मिल रहा है मेरे को। वही जब सरकारी अव्यवस्था पर सरकारी बाबू से सवाल पूछा गया तो सारे इल्जामों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई भी अव्यवस्था नहीं है पूरे यात्रा मार्ग पर, सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है और ये सरकार की अथक प्रयासों के कारण ही हुआ है कि आज जो ये यात्रा जो है दोबारा से अपने जो है पुराने स्वरूप में आई है। जो जैसे कि आपदा से पूर्व हमारे यात्री जो है 5 से 6 लाख यात्री और श्री केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आता था। वैसे देखा जाए तो इस बार की यात्रा में परेशानियां स्थानीय व्यवसायियों को दरकिनार करने से ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आम तौर पर स्थानीय व्यवसायी अपने बूते यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं मुहैया करा दिया करते थे, जो इस बार यात्रियों को प्रशासन से नहीं मिल पा रही। केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सरकार और प्रशासन ने तमाम दावे किए थे, बेहतर यात्रा संचालन को लेकर तमाम संदेश सरकार और प्रशासन ने किए, लेकिन केदारनाथ यात्रा शुरू होने के 11 दिन बाद ही जिन तकलीफों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है उसका जवाब प्रशासन और सरकार को देना होगा। ऐसे में यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्यों झूठे दावों पर प्रशासन ने बेहतर यात्रा का संदेश दिया। रुद्रप्रयाग से समाचार प्लस के लिए मैं संदीप अटू।